है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। फिर मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, कशेरुकी और अकशेरुकी जंतुओं में अंतर। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों आप लोगों ने एनिमेलिया किंगडम पढ़ चुके हैं और एनिमेलिया किंगडम में आप लोगों ने देखा है कि पूरी फेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट एनिमल्स का अध्ययन कर लिया, हेमिकॉर्डेटा संघ के जंतुओं का आपने अध्ययन कर चुके हैं और हेमिकॉर्डेटा के पश्चात आपने कॉर्डेटा एनिमल का भी अध्ययन किया। तो आपने क्या देखा कि कॉर्डेटा एनिमल के अंतर्गत उन जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनमें मुख्य रूप से तीन कैरेक्टर्स जीवन की किसी की ना किसी अवस्था में पाए जाते हैं। और ये तीन को कैरेक्टर्स कौन है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नोटोकार्ड की उपस्थिति। दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण है वह है नरोकार्ड की उपस्थिति। और तीसरा जो है वह है फेरेंजियल गिल स्लिट्स की उपस्थिति। इन तीन लक्षण, ये तीन जो लक्षण हैं जिन जीवों में पाए जाते हैं उन जीवों को कॉर्डेटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, कशेरुकियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, नोटोकार्ड, नरोकार्ड और फेरेंजियल गिल स्लाइट जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाए जाते हैं तो वह जंतु कॉर्डेट्स कहलाते हैं, कशेरुकी कहलाते हैं। यदि ये लक्षण जिन जीवों में नहीं पाए जाते हैं तो वह नॉन कॉर्डेट्स या अकशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। और जब हम एनिमेलिया किंगडम का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक के सभी सदस्य जो है वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, क्यों होते हैं भाई नॉन कॉर्डेट्स? क्योंकि इनमें ये तीनों लक्षण नहीं पाए जाते और कॉर्डेटा में ये तीनों लक्षण पाए जाते हैं, इस कारण से ये कॉर्डेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। तो यहां पर हमने देखा कि कॉर्डेट्स क्या होते हैं और नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में और कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, उन डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, चार कॉलम बना लें, पहला कॉलम क्रमांक का हो, दूसरा कॉलम लक्षण का हो और जो तीसरा जो कॉलम है वो हो कॉर्डेट्स का, कशेरुकियों का, कॉर्डेट्स या कॉर्डेट्स का। और जो चौथा कॉलम हो वह हो नॉन कॉर्डेट्स का, नॉन कॉर्डेट्स का हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम बन गए, चार कॉलम बन गए। चलिए अंतर करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अंतर है नोटोकार्ड की उपस्थिति। कॉर्डेट्स में नोटोकार्ड उपस्थित होते हैं जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। दूसरा लक्षण है नरोकार्ड। कॉर्डेट्स में नरोकार्ड उपस्थित होते हैं जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। नरोकार्ड कॉर्डेट्स में कैसे होते हैं, उपस्थित होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में अनुपस्थित होते हैं। फेरेंजियल गिल स्लाइट, यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि नॉन कॉर्डेट्स में भी ये उपस्थित होते हैं। भाई दोनों में उपस्थित है, फिर दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि कॉर्डेट्स में जो नर कॉर्ड होता है मिड डॉर्सल साइड पर होता है। कहां पर होता है? मिड डॉर्सल साइड पर होता है, मध्य पृष्ठ सतह पर होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में यह मिड वेंट्रल साइड पर होता है, मध्य अधर सतह पर उपस्थित होता है।
फेरेंजियल ग्रिल्स तीसरे लक्षण की बात करें, फेरेंजियल ग्रिल्स लाइट की बात करें तो कॉर्डेट्स में यह उपस्थित होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में यह अनुपस्थित होता है। चलिए एक और लक्षण की बात कर ले, पोस्ट एनल टेल। कॉर्डेट्स में पोस्ट गुदीय पूछ पाई जाती है, अर्थात पोस्ट एनल टेल उपस्थित होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में यह अनुपस्थित होती है। अर्थात गुदा के पीछे जो पूछ है वो नॉन कॉर्डेट्स में अनुपस्थित होती है, जबकि कॉर्डेट्स में यह पाई जाती है जीवन की किसी ना किसी अवस्था में, एम्ब्रायनिक स्टेज में भी हो सकता है और एडल्ट स्टेज में भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अंतर देखें, हार्ट की उपस्थिति, हृदय की उपस्थिति। अगर हम हृदय की उपस्थिति की बात करें तो आप स्वयं को इसका एग्जांपल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आपका जो हृदय है शरीर के वेंट्रल साइड में है, कहां पर है भाई, शरीर के वेंट्रल साइड में, अर्थात यहां पर हृदय कहां पर है, वेंट्रल साइड पर, अधर तल पर। जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उन नॉन कॉर्डेट्स में यह पृष्ठ सतह पर, डॉर्सल सतह पर उपस्थित होता है। चलिए अब हम बात करते हैं रक्त परिवहन तंत्र की बात करें। कॉर्डेट्स में जो रक्त परिवहन तंत्र है वह क्लोज्ड होता है, बंद प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में यह ओपन टाइप का होता है, लेकिन कुछ जंतुओं में जो है ये क्लोज्ड भी होता है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, श्वसन वर्णक की बात करें। कॉर्डेट्स में जो श्वसन वर्णक होता है वह हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, और यह हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स में हीमोग्लोबिन हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हीमोग्लोबिन उपस्थित है तब ऐसी अवस्था में यह प्लाज्मा में उपस्थित होता है। चलिए एक और अंतर देखिए, आठवां अंतर श्वसन, रिस्पायरेशन की क्रिया। कॉर्डेट्स में जो रिस्पायरेशन की क्रिया है वो या तो लंग्स के माध्यम से होती है या फिर गिल्स के माध्यम से होती है। श्वसन की क्रिया कॉर्डेट्स में किसके माध्यम से होती है, या तो फेफड़ों के द्वारा होती है या गलफड़ों के द्वारा होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में यह क्रिया स्किन के द्वारा, गिल्स के द्वारा, पल्मोनरी सैक के द्वारा आदि संरचनाओं के द्वारा जो है वह श्वसन की क्रिया होती है। चलिए एक और अंतर देखें, समरूपी विखंडन। जो कॉर्डेट्स एनिमल होते हैं समरूपी विखंडन पाया जाता है, समरूपी विखंडन पाया जाता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में यह उपस्थित हो सकता है, उपस्थित हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नॉन कॉर्डेट्स में मेटाबेरिक जो सेगमेंटेशन है यह उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए प्रजनन की बात करें। अब प्रजनन की अगर हम बात करें तो कॉर्डेट्स में जो प्रजनन पाया जाता है वह लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में यह लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का हो सकता है, लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक प्रजनन हो सकता है या अलैंगिक प्रजनन हो सकता है या दोनों प्रकार का हो सकता है। चलिए और एक अंतर की बात करें, देह गुहा या सिलोम कैसी होती है। तो कॉर्डेट्स जो होते हैं वो सिलोमेट होते हैं। आपको मालूम है कि कॉर्डेट्स में जो सिलोम पाई जाती है वह एंटीरोसिलिक सिलोम होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स की अगर बात करें तो इनमें ये सिलोमेट भी हो सकते हैं, स्यूडोसिलोमेट भी हो सकते हैं, स्यूडोसिलोमेट भी हो सकते हैं, या इनमें सिलोम अनुपस्थित भी हो सकती है। चलिए एक और लक्षण की बात कर लें, सम्मिति। सम्मिति की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमने को ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कॉर्डेट्स में पाई जाने वाली जो सम्मिति है वह द्विपार्श्व सम्मिति होती है, द्विपार्श्व सम्मिति होती है,
जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये द्विपार्श्व सममित भी हो सकती है, द्विपार्श्व भी हो सकती है, त्रिज्या सममित भी हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।